हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो एक्सटर्नली सीड इज हैविंग एन आउटर कवरिंग, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं सीड कोट। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो आउटर कवरिंग है ये सीड कोट है, और इसका जो कवर्ड पार्ट है, ये वाला हिस्सा है बच्चों, इसको हम कहते हैं हाइलम। एंड द इंटरनल पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में कोटिलेडन्स के बेसिस पे दो तरह के सीड्स होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट सीड्स में एक कोटिलेडन होगा, है ना, और डाइकोट्स में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टू कोटिलेडन्स विल बी प्रेजेंट। तो ये एक मोनोकोट और एक डाइकोट सीड आपको विजिबल है, क्योंकि यहां पे है ये डायकोट ही, लेकिन एक साइड आपको दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मोनोकोट सीड, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे सीड की फॉर्मेशन होती है। हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद दो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, वन जायगोट फॉर्मेशन और दूसरी तरफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, राइट। एग सेल और पोलन ग्रेन का मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, और वही पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी, वो मेल न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के साथ मिलकर ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है, राइट। तो जो जायगोट है, इसमें मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिससे ये चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में। एंड दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नाउ दिस एम्ब्रियो विल हैव टू पार्ट्स। अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहां से ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज नोन एज प्लूम्यूल, और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी दैट इज नोन एज रेडिकल। सो प्लूम्यूल एंड रेडिकल, प्लूम्यूल से फ्यूचर का शूट सिस्टम बनेगा एंड रेडिकल से रूट सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। एंड दिस कोटिलेडन्स हैव स्टोर्ड फूड, जो जर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा, राइट। चलिए, सो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है, ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन प्लांट्स में एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है, दे आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स, ओके। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है मेज। जबकि दूसरे टाइप के प्लांट्स में, दूसरे टाइप के सीड्स में, वहां पे कोटिलेडन्स में अगर फूड स्टोर होता है, देन दे आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो दो तरह के सीड हो गए, एंडोस्पर्मिक लाइक मेज एंड नॉन एंडोस्पर्मिक लाइक बीन। यहां पे एंडोस्पर्म में फूड स्टोर हो रहा है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में बच्चों कोटिलेडन्स में फूड स्टोर होता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है फॉर जर्मिनेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर नाउ? एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नाउ ये यहां पर आप देख पा रहे हो कि एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड फूड है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो यूटिलाइज करता है। एम्ब्रियो से एक तरफ प्लीम्यूल की फॉर्मेशन होगी, एंड ऑन अदर हैंड इट विल गिव राइज टू रेडिकल, और इसके साथ साथ कोटिलेडन्स बनेंगे। अगर जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है वो यूटिलाइज नहीं होता है, देन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। मैंने अभी आपको बताया मेज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको मैं एक बार फिर से आपके लिए समराइज कर देता हूं कि सीड्स, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अपर पार्ट प्लीम्यूल जो कि फ्यूचर शूट सिस्टम बनाएगा,
रेडिकल इमेच्योर रूट रूट सॉरी जो रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करेगा, एंड कोटिलेडंस में फूड स्टोर रहेगा फॉर जर्मिनेशन। एंडोस्पर्म जो है वो क्या करेगा, डेवलपिंग जायगोट को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, राइट। सो दो तरह के सीड्स हो गए, एक तो कोटिलेडंस के बेसिस पे मोनोकोट सीड्स जिसमें एक कोटिलेडन होगा, एंड डाइकोट सीड्स जिसमें दो कोटिलेडन्स होंगे। एंडोस्पर्म के प्रेजेंस के बेसिस पे अगर एंडोस्पर्म में फूड स्टोर है देन एंडोस्पर्मिक सीड्स लाइक मेज, एंड अगर कोटिलेडन्स में स्टोर है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स लाइक ब्रॉड बीन। क्लियर एवरीवन, थम्स अप करें। सो ये दोनों डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड में पूरा का पूरा जो आउटर कवरिंग है वो सीड कोट बना रही है, प्लिम्यूल यहां पर है जिससे कि नया शूट सिस्टम बनेगा, रेडिकल नीचे की तरफ रूट सिस्टम की फॉर्मेशन कर देगा। जबकि यहां पर आप देख पा रहे हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में कोटिलेडन्स में फूड स्टोर होगा, और यहां पर भी प्लिम्यूल और रेडिकल एम्ब्रियोनल एम्ब्रियोनिक एक्सिस से डेवलप होंगे। सो ये अभी तक अभी हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग सीड्स। अब बात करते हैं बेटा क्या डिफरेंस होता है मोनोकोट में और डाइकोट में। पहला डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि कोटिलेडन्स का नंबर मोनोकोट में एक होगा तो डाइकोट में दो कोटिलेडन्स मिलेंगे। वेनेशन, वेनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, ये मेन वेन हो गई और ये ब्रांच जो है ये वेनलेट्स कहलाती है। तो वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट जो है उसको कहते हैं बच्चों वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन मिलता है देखने के लिए किसमें, मोनोकोट्स में, जबकि रेटिकुलेट एक नेटवर्क लाइक जैसे पीपल में आपने देखा होगा नेट लाइक वो मिलता है डाइकोट्स में। वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज वैस्कुलर बंडल्स, वो स्कैटर्ड होते हैं मोनोकोट्स में इस तरह से, जबकि एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं डाइकोट्स में। पेटल्स जो ग्रीन लीव सॉरी कलर्ड लीव होती है वो तीन के बंच में मिलती है, थ्री के मल्टीपल्स में, 3, 6, 9 इस तरह से मोनोकोट्स में, और 4 या 5 के मल्टीपल्स में मिलते हैं डाइकोट्स में। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ए मोनोकोट एंड डाइकोट। अब एक वर्ड आता है सीड से रिलेटेड, बच्चों हमने सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, एक पीरियड होता है जिसमें सीड में ग्रोथ नहीं होती, उसकी सेल डिविजन एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है, दैट रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज डोरमेंसी। डोरमेंसी पीरियड अलग अलग टाइप के सीड्स में अलग अलग हो सकता है, कुछ सीड्स में ये वीक्स की हो सकती है, कुछ में मंथ्स की हो सकती है, और कुछ सीड्स में ये ईयर्स तक की भी बच्चों हो सकती है, ठीक है। ये एक एडेप्टेशन है प्लांट की टू सर्वाइव इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हार्ड हार्श कंडीशंस होती है उससे ओवरकम करने की वो टाइम निकालने की, और ये एक टाइम भी देता है जिससे कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और प्लांट सीड डिस्पर्शन के लिए रेडी हो जाए। अब मैच्यूरेशन के बाद जो राइपेंड ओवरी है, राइपेंड ओवरी फॉर्म्स फ्रूट एंड ओव्यूल से बच्चे सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ओव्यूल फॉर्म सीड एंड ओवरी फॉर्म द फ्रूट। तो फ्रूट मैच्योर ओवरी है जिसमें सीड नॉर्मली पाए जाते हैं। तो प्रोसेस जो है फ्रूट फॉर्मेशन की वो स्टिमुलेट होती है, रेगुलेट होती है जो ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं सीड्स में वहां से। और फ्रूट या सीड डिस्पर्शल के लिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी जिसको कहा जाता है, एयर के थ्रू हो सकता है,
एनिमोफिलस हो जाएगा, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली हो जाएगा, एनिमल के थ्रू जूफिली हो जाएगा, राइट। सो जो डिस्पर्शल की जरूरत क्यों पड़ती है प्लांट्स को, कि कंपटीशन कम हो जाए लाइट के लिए, वाटर के लिए, या हम कह सकते हैं रिसोर्सेज के लिए। डिस्पर्स हो जाएगा सीड तो एक जगह पे बहुत ज्यादा सीड्स इकट्ठे नहीं होंगे, और जब डिस्पर्सल होगा तो वो बहुत लार्जर एरिया में स्प्रेड हो सकते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हो ये जो सीड की स्ट्रक्चर है एंड सीड डिस्पर्सल या फ्रूट डिस्पर्सल का जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ आया होगा। स्टिल इफ यू आर हैव एनी डाउट, मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर ओन यूट्यूब चैनल बायोनीति फॉर कंप्लीट स्टडी फॉर योर एग्जाम्स।